हेलो बच्चों, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पहले स्टेटमेंट देखते हैं। देखिए, ए माइल स्टील रॉड ऑफ 25 mm डायमीटर एंड 400 mm लॉन्ग। आपके पास एक माइल स्टील की रॉड है, ठीक है, जिसका डायमीटर आपको दे रखा है। डायमीटर क्या है? 25 mm, 25 mm का डायमीटर है। उसकी लेंथ क्या है? इसकी लेंथ है आपकी 400 mm, 400 mm। ये आपका माइल स्टील की रॉड है, ठीक है। इज इनकेस्ड सेंट्रली इनसाइड ए हॉलो कॉपर ट्यूब ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर 35 mm एंड इंटरनल डायमीटर ऑफ 30 mm। इनकेस का मतलब है कि किसी के अंदर रखा हुआ है। तो जो ये रॉड है ना, जो ये आपकी रॉड है, ये एक कॉपर ट्यूब के अंदर सेंटर में अंदर रखी हुई है। जैसे कि मान लीजिए ये कॉपर ट्यूब है आपकी, और कॉपर ट्यूब क्या है? हॉलो कॉपर ट्यूब है। जो ये कॉपर ट्यूब है वो हॉलो है। हॉलो है तो इसके दो डायमीटर होंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो एक इंटरनल डायमीटर है, एक एक्सटर्नल डायमीटर है आपका कॉपर ट्यूब का। तो इंटरनल वाला है 35 और सॉरी इंटरनल वाला है 30 mm, एक्सटर्नल वाला है 35 mm, और ये किसकी बनी हुई है? कॉपर की। देखिए, एक कॉपर की ट्यूब है जो कि हॉलो है, जिसका इंटरनल डायमीटर 30 mm है, एक्सटर्नल डायमीटर 35 mm है, ठीक है। उसके सेंटर में आपने एक माइल स्टील की रॉड को रख दिया। अभी तक क्वेश्चन ने ये बोला है, मैं रिपीट कर देता हूं, ए माइल स्टील रॉड ऑफ 25 mm डायमीटर। एक माइल स्टील मेटीरियल होता है, उसकी रॉड है जिसका डायमीटर 25 mm है और उसकी लेंथ है 400 mm। इज इनकेस्ड सेंट्रली, उसको सेंटर में रखा हुआ है। कहां पर? इनसाइड ए हॉलो कॉपर ट्यूब। एक हॉलो, एक अंदर से हॉलो कॉपर ट्यूब है। इसका मतलब कोई भी चीज हॉलो होती है तो उसके दो डायमीटर होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल डायमीटर है इसका 30, एक्सटर्नल डायमीटर है इसका 35। तो इसके बीच में सेंटर में हमने ये इस रॉड को लगाना है, ठीक है। द एंड ऑफ द रॉड एंड द ट्यूब आर रिजिडली अटैच्ड, ठीक है। जब ये लग जाएगी तो दोनों का एंड बिल्कुल फिक्स कर देंगे हम, ठीक है। एंड द कंपोजिट बार इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल पुल ऑफ 40 kN। जब इसको हम इसमें सेंटर में रख देंगे तो दोनों पे क्या लगाएंगे हम? तो इस कंपोजिट बार पे हम 40 kN का टेंसाइल लोड लगाएंगे। दोनों की आपको यंग्स मॉडुलस दे रखा है। स्टील का यंग्स मॉडुलस 200 है, कॉपर का 100 है, मतलब इसे डबल है ऑलमोस्ट, ठीक है। फाइंड द स्ट्रेस डेवलप इन द रॉड एंड द ट्यूब। ट्यूब और रॉड में स्ट्रेस बताइए। जब आप फोर्स लगाओगे तो स्ट्रेस डेवलप होगी। आपको बतानी है कि कॉपर ट्यूब में और स्टील की रॉड में कितनी स्ट्रेस डेवलप हो रही है, ठीक है। एंड ऑल्सो फाइंड द एक्सटेंशन ऑफ द रॉड। आपको ये भी बताना है कि लोड लगने के कारण एक्सटेंशन कितना होगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए, कुछ ऐसा केस है हमारा, ध्यान से समझिए। पहले हम कॉपर ट्यूब बना लेते हैं। मान लीजिए ये कॉपर ट्यूब है, ठीक है, ये हॉलो कॉपर ट्यूब है। इसके दो डायमीटर होंगे, एक इंटरनल होगा, एक एक्सटर्नल होगा। चलिए, ये आपकी क्या बन गई है? कॉपर की ट्यूब। तो इसके दो डायमीटर हैं। इंटरनल डायमीटर कितना है? 30 mm, 30 mm। एक्सटर्नल डायमीटर कितना है, बड़ा वाला कितना है? ये है 35 mm, 35 mm। अब आपने क्या किया, इसके सेंटर में एक 25 mm की ये, इसका मेटीरियल पहले मैं लिख देता हूं। ये किसकी है आपकी? ये कॉपर की है। कौन सी है? कॉपर की ट्यूब है।
अब मैं इसके अंदर रॉड डालूंगा सेंटर में, बिल्कुल माइल्ड स्टील की रॉड, चलिए डालते हैं इसमें, बिल्कुल इसके सेंटर में एक माइल्ड स्टील की रॉड। ठीक है, ये हमारी माइल्ड स्टील की है जो हमने रेड में दिखाया है, ये किसकी है आपकी, ये माइल्ड स्टील की है, माइल्ड स्टील रॉड। इसका डायमीटर कितना है आपका, इसका डायमीटर है आपका 25 mm का, 25 mm। तो ये कंडीशन है। इसके बाद हमने जो जो ये वाले एंड है ना, ये रिजिडली अटैच है और उस पर हम लोड लगाएंगे। लोड कितना लगाएंगे, 40 kN का। ठीक है, तो इस पे हम लोड लगा देते हैं। अब चलिए लोड लगा देते हैं, कितना है 40 kN, 40 kN का टेंसाइल लोड लगाना है आपको, 40 kN। देखिए ये एंड है ना, ये रिजिडली अटैच है, इसका मतलब ये है कि ये पैरेलल कनेक्शन है, दोनों में जो इलोंगेशन होगी वो इक्वल होगी। देखिए ये पैरेलल कनेक्शन बन गया ना, अब इस केस में आपको ये समझ में आ रहा होगा, दोनों में इलोंगेशन जो होगी वो इक्वल होगी। तो इसका मतलब दो इक्वेशन बनेगी, पहली इक्वेशन क्या होगी, जो मेरा फोर्स है वो डिवाइड होगा पी इक्वल टू पी वन प्लस पी टू। देखिए वन को हम यूज करेंगे रॉड के लिए, ठीक है, कौन सी रॉड, माइल्ड स्टील की रॉड, और जो टू का सफिक्स है वो मैं यूज करूंगा कॉपर ट्यूब के लिए। ठीक है, तो जहां पर भी वन है इसका मतलब आप समझ जाना कि वो माइल्ड स्टील रॉड की बात कर रहे हैं, और टू पे जहां पे सफिक्स मैं यूज करूंगा इसका मतलब हम कॉपर की बात करेंगे। ठीक है, हॉलो कॉपर की ट्यूब। तो पी इक्वल टू पी वन प्लस पी टू, सेकेंड क्या होगा, डेल वन इक्वल टू डेल टू, मतलब इन दोनों में जो डिफॉर्मेशन होगी वो इक्वल होगी। तो इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से मैं क्या निकाल सकता हूं, मैं फोर्सेस निकाल सकता हूं या डायरेक्टली स्ट्रेस निकाल सकता हूं। मुझे स्ट्रेस निकालने हैं, और दो इक्वेशन है, दो अननोन है, तो आराम से आप स्ट्रेस निकाल सकते हो। चलिए निकालते हैं यूज करके। तो पी कितना है, 40 kN, तो आप अभी P लिखिए, P इक्वल टू मैं P1 को क्या लिख सकता हूं, सिग्मा 1 इंटू ए वन प्लस सिग्मा 2 इंटू ए टू, क्योंकि सिग्मा 1 क्या होता है, सिग्मा 1 होता है P1 डिवाइडेड बाय A1। तो हम P1 को क्या लिख सकते हैं, फोर्स को स्ट्रेस इंटू एरिया। तो ये आ गया हमारी पहली इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन देखिए, डेल 1 इक्वल टू डेल 2, डेल क्या होता है, डेल होता है आपका इलोंगेशन, डेल को हम डेल एल भी बुलाते हैं, एक ही बात है। ठीक है, क्या होता है ये, पी एल डिवाइडेड बाय ए ई, पी वन एल वन डिवाइडेड बाय ए वन ई वन, ये होगा आपका। तो इसको मैं सिग्मा वन एल वन डिवाइडेड बाय ई वन भी लिख सकता हूं, क्योंकि पी वन बाय ए वन क्या है, सिग्मा वन। तो इसका मतलब इक्वेशन क्या बन गई आपकी, सिग्मा वन एल वन डिवाइडेड बाय E1 इक्वल टू सिग्मा 2 एल 2 डिवाइडेड बाय E2। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन इस फॉर्म में मैंने लिख दी। चलिए अब यहां पर देखिए, ये वाली इक्वेशन में मुझे निकालना क्या है, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 निकालना। अब ध्यान से देखिए, दोनों की लेंथ क्या है, कॉपर ट्यूब और रॉड की लेंथ इक्वल है दोनों की, तो लेंथ इक्वल है, इसका मतलब L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू L है। ठीक है, जो कि आपको दे रखी है 400 mm। तो यहां से L1 L2 कट जाएगा, L1 से L2 कट गया, तो सिग्मा 1 क्या आया, सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय E1 इक्वल टू सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय E2। अब ध्यान दीजिए, जो मेरा E1 है वो कितना था, 200, और जो E2 था वो कितना था हमारा, 100। तो ऑलमोस्ट डबल है इसका, गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये था हमारा गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये जो E1 है वो E2 का डबल है, तो मैं इसको कैंसिल आउट कर देता हूं, तो ये E2 की जगह पे मैं 2E1 लिख दे। चलिए यहां पे कर देते हैं, सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय E1 इक्वल टू सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय E1 बाय 2। ठीक है, या इसको मैं लिख दूं 2E2। ठीक है, तो ये कट जाएगा यहां से, तो सिग्मा 1 क्या आ गया आपका, सिग्मा 1 इक्वल टू 2 सिग्मा 2, जो मेरी स्ट्रेस होगी किसके अंदर,
वन का मतलब है माइल्ड स्टील रॉड में जो स्ट्रेस होगी वो दुगनी होगी जो कि ट्यूब में, दैट मीन्स रॉड में ज्यादा स्ट्रेस आएगी, ट्यूब में कम स्ट्रेस आएगी, ठीक है। तो डबल है, तो ये वाली अब मैं इक्वेशन इसमें यूज करूंगा, ये इक्वेशन ए मान लीजिए आप, इसको यूज करेंगे हम इस इक्वेशन में, ठीक है। चलिए यूज करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सिग्मा वन फ्रॉम इक्वेशन ए टू दिस इक्वेशन, ठीक है। तो क्या आ गया आपका, P इक्वल टू जहां पर भी सिग्मा वन है वहां पर टू सिग्मा टू कर दीजिए आप, टू सिग्मा टू इंटू ए वन प्लस सिग्मा टू इंटू ए टू, ठीक है। अब देखिए A1 A2 निकाल लेते हैं, चलिए A1 क्या होगा, A1 का मतलब है माइल स्टील, तो माइल स्टील का डायमीटर कितना था 25, तो पाई बाई 4 इंटू 25 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये एरिया आएगा आपका राउंड, जो हमारी रॉड का एरिया आएगा 490.87 mm स्क्वायर, ठीक है। उसी टाइप से A2 निकालते हैं, A2 किसका है, हॉलो कॉपर ट्यूब का, ठीक है। ये कितना होगा, पाई बाई 4 डी नॉट स्क्वायर माइनस डी आई स्क्वायर, मतलब आउटर डायमीटर 35 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, ये होगा हमारा। तो ये एरिया आएगा राउंड आपका A2 आएगा 255.25, ये आएगा 255.25 mm स्क्वायर, ठीक है। तो A1 और A2 मिल गया आपको, P आपके पास पहले से ही है, तो P कितना हमारा 40 × 10⁻³ इक्वल टू, ये सारी वैल्यूज आप पुट करोगे, 2 × σ2 इंटू A1 की वैल्यू पुट कर दीजिए 490.87 प्लस सिग्मा 2 इंटू A2 कितना है 255.25। अब देखिए यहां पर बस एक ही अननोन है सिग्मा 2, तो जब आप सिग्मा 2 को यहां से निकालोगे तो सिग्मा 2 आपका आएगा अराउंड, इट विल कम्स आउट, सिग्मा 2 का मतलब है कि ये कॉपर ट्यूब की बात हम कर रहे हैं, तो ट्यूब में आएगा 64.68, ठीक है। जो हमारा ये क्या है सिग्मा 2, अब हम रॉड में देखते हैं, रॉड में हमारा आएगा 32.34, ठीक है, उल्टा कर दिया हमने, ये हमारा आएगा 32.34 और सिग्मा 1 क्या आएगा, सिग्मा 1 का मतलब इसका ट्वाइस हो जाएगा, ये आएगा 64.68, ठीक है। तो ये आ गया हमारा सिग्मा 1 का मतलब है कि जो आपका रॉड में आएगी हमारी वो आएगा 64.68, ठीक है, और इसमें आएगा ये। अब इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट आपको पता है हमने कौन सी यूनिट की, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, इसकी भी क्या होगी न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो देखिए हमने क्या किया, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है किसका, पैरेलल कनेक्शन का है। देखिए बार दो कनेक्शन हो सकते हैं बार के, सीरीज में और पैरेलल में। सीरीज का तो सिंपल होता था, आपको बताया था कि सीरीज में अगर बार कनेक्ट होती है तो क्या करते हैं, फोर्सेस इक्वल रहते हैं, एलोंगेशन ऐड होती है। जब आपकी बार जो होती है वो पैरेलल कनेक्शन में होती है तो उनका एलोंगेशन सेम रहता है, फोर्सेस ऐड होते हैं। तो यहां पर हमने देखा कि जो टोटल फोर्स लग रहा है वो ऐड हो जाएगा, कुछ तो जाएगा रॉड में, कुछ जाएगा आपका ट्यूब में। तो P इक्वल टू P1 प्लस P2 हो गया, P1 को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा 1 A1 प्लस सिग्मा 2 A2। तो यहां से अब सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारी, डेल 1 इक्वल टू डेल 2, डेल का मतलब है सिग्मा 1 L1 डिवाइडेड बाय E1 इक्वल टू सिग्मा 2 L2 डिवाइडेड बाय E2। तो ये हो गई हमारी सेकंड। तो यहां से मैंने देखा कि मेरे पास रिलेशन आ गया, इसकी हेल्प से रिलेशन आ गया सिग्मा 1 इक्वल टू 2 सिग्मा 2। मुझे ये पता लग गया कि जितनी स्ट्रेस रॉड में होगी वो दुगनी होगी जो कि कॉपर ट्यूब में, मतलब कॉपर ट्यूब से दो गुना स्ट्रेस ज्यादा लगेगी किसमें, रॉड में। तो आप सिग्मा 2 निकाल दीजिए, उसको ट्वाइस कर देना, आपको सिग्मा 1 मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने ये वाली इक्वेशन यहां पे पुट की, ठीक है। तो मेरी इक्वेशन क्या आ गई, तो यहां से सिग्मा 2 आ गया मेरा, सिग्मा 2 आते ही सिग्मा 1 की वैल्यू आ गई। तो सिग्मा 2 और सिग्मा 1 आ चुके हैं, अब मुझे एक और भी निकालना था इसी क्वेश्चन में, इलोंगेशन और निकालना था, तो वो भी निकाल लेते हैं। इलोंगेशन क्या होगा,
इलोंगेशन होगा, देखिए इलोंगेशन कैसे निकाल दीजिए आप, या तो ऐसे निकाल दीजिए सिग्मा वन एल डिवाइडेड बाय ई, ठीक है, ई वन, तो आप सिग्मा वन कितना है आपका 64.68, एल कितना है 400 mm, और ए वन कितना है अभी हमने निकाला था, तो जब इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे ये आएगा 1.294 mm, ठीक है, सारी वैल्यू पहले से ही निकाल चुके हैं, तो हमारा जो इलोंगेशन है, इलोंगेशन दोनों में सेम होगा, चाहे बोलिए आप रॉड का इलोंगेशन, चाहे बोलिए आप ट्यूब का इलोंगेशन है, तो बराबर ही, क्योंकि पैरेलल में क्या है, इक्वल इलोंगेशन होता है। तो इस क्वेश्चन में हमने ये देखा कि अगर कोई क्वेश्चन इस टाइप से दे रखा है कि कोई हॉलो ट्यूब है, उसके अंदर कोई रॉड डाल रखी है आपने, और दोनों का एंड आपने फिक्स किया हुआ है, ठीक है, तो ये पैरेलल कनेक्शन इनको बोलते हैं। पैरेलल का मतलब ही क्या होता है कि दोनों के एंड सेम कंडीशन पे हो। अगर उस पे मैं लोड लगाता हूं तो कंडीशन क्या होती है पैरेलल की, इलोंगेशन इक्वल होगा, फोर्स ही डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो फोर्स क्या होता है, टोटल फोर्स इक्वल टू एफ वन प्लस एफ टू। तो मैंने फोर्स को लिख दिया स्ट्रेस के टर्म्स में, क्योंकि मुझे स्ट्रेस निकालना था, तो मैंने लिख दिया सिग्मा वन ए वन प्लस सिग्मा टू ए टू, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन थी हमारी इलोंगेशन वाली, तो दोनों इक्वेशन को यूज करके मैंने सिग्मा वन और सिग्मा टू निकाल लिया, और सिग्मा वन की हेल्प से फिर हमने इलोंगेशन निकाल लिया। तो ये क्वेश्चन थोड़े लेंथी होते हैं, बट इनका सॉल्यूशन काफी सिंपल होता है। तो अब हमने बार को सीरीज में भी क्वेश्चन कर लिए, बार के पैरेलल में भी क्वेश्चन कर लिए हमने। थैंक यू।